हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब खुश हैं, मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है आम का मुरब्बा। फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ दिनों से आम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या आपने इन रेसिपी को देखा है? बहुत मज़े की बनती है। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके इन सभी को देख लीजिए और बहुत ईजी है इन सबको बनाना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आम का मुरब्बा। स्वीट मैंगो पिकल और आम का मुरब्बा दोनों का ही आम को तैयार करने का तरीका सेम है। इधर मैंने 2 केजी आम को अच्छे से धोकर इस तरह से टुकड़े में काट लिए हैं और 2 चम्मच नमक पानी में डालकर इन सब आम को 6 घंटे तक डुबोकर छोड़ देंगे, क्योंकि आम का जो कसेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। 6 घंटे के बाद इस पानी को फेंक देंगे और आम को अच्छे से धो लेंगे। 6 घंटे के बाद फिर से एक बड़े से बर्तन में मैं पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा ली हूँ गैस पे, और फिर से इसमें 2 चम्मच भर के मैं नमक डाल रही हूँ। और इसमें जैसे ही हल्का उबाल आ जाएगा पानी में, तब सारे आम को डाल दूँगी इसमें, और हल्का सा सॉफ्ट होगा आम तब तक इसको उबालेंगे। यहाँ पे 2 केजी आम है, जिसमें से 1.5 केजी आम का मैं स्वीट मैंगो पिकल गुड़ से बनाए हैं और 1/2 केजी आम से मैं आम का मुरब्बा बनाऊंगी। कुछ टाइम के बाद देखिए आम का कलर चेंज हो गया है और हल्का सॉफ्ट हो गया है। इस टाइम पे गैस को ऑफ कर देंगे और इस पानी से आम को निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ तक का प्रोसेस स्वीट मैंगो पिकल और आम के मुरब्बा के लिए सेम रहेगा। आम के मुरब्बा के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लिए हैं शुगर, रॉ चिली, नींबू का रस, अदरक का रस, काजू और किशमिश। आप इधर हरी मिर्च भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास रेड था तो मैं रेड चिली दी हूँ। और इसमें आप ड्राई चिली भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई को गर्म करके उसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल दी और चीनी को डाल दी इसमें कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी जैसे ही मेल्ट होगा तो उसमें डालेंगे किशमिश, काजू। मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स 500 ग्राम आम के हिसाब से लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है और एक लाइक भी दे दीजिए। अब इसमें आम को भी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई पे है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब मैं मिर्ची को डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर देंगे। अब ब्लैक सॉल्ट मैं डाल रही हूँ 2 टेस्पून, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे टेस्ट करके देखना है कि इसमें मीठा और नमक सब बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा चीनी और नमक और डाल सकते हैं। अब अदरक के जूस को भी डाल देंगे और इसी कटोरी में थोड़ा सा पानी मिला के इसको डालेंगे। इसी टाइम पे 1 टेबलस्पून विनेगर भी डालना है। शायद ये एडिटिंग के समय मिस हो गया है दिखाना। इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसका पानी गाढ़ा ना हो जाए और आम का जो स्किन है वो सॉफ्ट ना हो जाए। अभी मैं फ्लेम को सिम पे रखी हूँ और सिम पे ही कुक कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सेम नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मेरा चैनल है तो उसे भी फॉलो कीजिए। अब लेमन जूस को डाल देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिए हैं, ये पूरा कुक हो गया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद ही लेमन जूस को डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बनके तैयार हो गए आम का मुरब्बा। फ्रेंड्स, अब तक जितने भी आम की रेसिपी दिखाई, ये सारी रेसिपी मेरी दादी और माँ की बनी हुई है, और ये जो आप कुक करते हुए देख रहे हैं ये मेरी माँ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? इसे आप साल भर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।